ऊपर आसमान नीला नीला, नीचे गीला गीला। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है। एक तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है दो दिन से, और ना मेरे पैरों में पूरे बहुत ज़्यादा दर्द है। समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को फ़ोन किया था तो वो तो बुला रही है कि आ जाओ, बट अपॉइंटमेंट अभी लगभग 2 या 3 तारीख की है, तो तभी मैं सोची कि तभी जाऊँगी, तभी बता दूँगी। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है और मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। दिख रही होगी ना बारिश, देखो सब गीला गीला है नीचे, ऊपर आसमान नीला नीला, नीचे गीला गीला। तो ये कुछ ऐसा मौसम है। ये देखो, ये मैंने टांगा हुआ है कबूतर। हमारा जो बाथरूम है बाहर वाला, उसको अब तक हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे, ये घर लगभग 1 साल से बंद था, और इसमें ना कबूतर थे, तीन कबूतर रहते थे। तो उन्होंने अंडे वगैरह तो दे नहीं रखे, तो तुम वहाँ से उनको हटा दिया था, पर जाली वगैरह नहीं लगी है तो वो वहाँ पर अंदर जाते हैं, इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करे। अब मैंने ये लगाई कि यहाँ पे बैठ जाएंगे वो, उनका घर ना उजड़े, बट वो इसमें बैठते ही नहीं है। तो अभी ट्राई करेंगे कि बड़े वाली बास्केट उधर की साइड ही बाथरूम के पास में ही लगा दें। अभी मैंने कुछ और भी मंगाया हुआ है चिड़ियाओं के लिए, फीडिंग के लिए, जिससे कि वो खाना खा सके। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जानवरों के लिए पानी वगैरह ज़रूर रखें। मैं ज़रूर रखती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने नहीं रखना शुरू किया है, क्योंकि मैं कल भी लेने के लिए गई थी, मुझे मिट्टी वाला जो होता है वो नहीं मिला, और गलती मैंने की कि प्लास्टिक वाला नहीं लेके आई। बट प्लास्टिक वाला हस्बैंड जो है वो मना कर रहे हैं कि प्लास्टिक वाला मत रखो, धूप में वो रहेगा, पानी में गर्म हो जाएगा, मिट्टी वाला ज़्यादा सही है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो लेके आएंगे और ख़ुद रख देंगे। कल हो सकता है मैं घर चली जाऊँ मम्मी के पास में, और रीज़न भी बताऊँगी मैं। मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती छोड़ के आ रहे, ज़्यादा परेशान हो चुके हो गए, जाओ छोड़ के आ रहा हूँ तुम्हें। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं जाती हूँ नीचे लूसी से मिलने, देखती हूँ लूसी की मम्मी कहाँ है, अगर नीचे हुई तो उसको खाना खिलाने भी जाना है। और आज मैं बनाऊंगी करेले, करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। करेले के साथ बनाना है मुझे शिमला मिर्च और पनीर मसाला, उसकी रेसिपी कल वाले व्लॉग में शेयर कर दूंगी। एक साथ शेयर करूंगी तो फिर आप व्लॉग्स क्यों देखेंगे। और न्यूज़ भी देनी है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो चलिए ज़रा लूसी से मिलने चलते हैं। तो करेला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से करेले काट लिए हैं, और साथ में काट ली है प्याज।
प्याज इसकी डबल क्वांटिटी में रखनी है आपको, आपकी मर्जी है आप इनको किस शेप में काटें। मेरे ऐसे बोलते हैं कि इनकी शेप के हिसाब से टेस्ट भी इनका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो अब मैंने पहले तेल डाल के इसमें और इस तरीके से करेले जो है डाल लिए हैं। इसमें मैंने पानी नमक डाल के ना थोड़ी देर रख दिया था, आप चाहो तो नमक डाल के रख के और फिर उसका पानी निकाल के आप तब डाल सकते हो, या फिर आप इसे अच्छी तरीके से छील लेंगे तब भी आप इसको डाल सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे इसको डाल लिया है, अब इसको मैं थोड़ा हिला रही हूँ, यानी कि इनको थोड़ा सा भून रही हूँ मैं। भूनने का मतलब है कि इनको तेल में डाल के थोड़ा सा आप इसमें थोड़ी देर फ्राई कर देंगे। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी थी, प्याज डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई किया है। अच्छा, इससे क्या होता है, प्याज एकदम बहुत ज़्यादा भून नहीं जाती, अगर बाद में हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वो तल भून के ना बेकार सी हो जाती है, अगर हम पहले डाल देंगे इसको तो ये बेकार हो जाती है। उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं और इसमें डाल दिया अमचूर पाउडर, आप चाहे तो आप कच्चा आम डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला था, साथ में और भी मसाले जो डलते हैं इसमें, जैसे हल्दी है और आपका सौंफ धनिया है वो आप इसमें डाल दीजिएगा, आप थोड़ी बहुत मिर्च भी अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया था और इसको ढक दिया था अच्छे से। ये कुछ मुझे प्याज थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने और डाल दिए इसमें, बट ये इसमें मिलके मिक्स होके थोड़ी देर अगर पकेंगी तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इसकी जो प्याज है वो इस तरीके की ही रखनी है, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा पका देंगे या फिर कम पका देंगे तो वो अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर करेला करेला दिखेगा, इससे बिल्कुल ऐसे टेस्ट आएगा जैसे करेले की सब्ज़ी में आना चाहिए और बिल्कुल ये कड़वा भी नहीं लगता। अब मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा सा और नमक डाल दिया है, जो मैंने टेस्ट करके देखा था इसका नमक थोड़ा कम था, और ये अभी कच्ची ही है, पकी नहीं है, मैं इसको थोड़ी देर फ्राई कर दूँगी इसी तरीके से ढकने के बाद। इसने जब तेल छोड़ दिया है इसका मतलब ये पक चुकी है। तो ये अमचूर पाउडर आप थोड़ा बाद में भी डाल दीजिएगा, इससे क्या होता है जो पहले आपको कुछ भी चीज़ की कमी लगे ना तो आप उसको बाद में डाल देंगे तो फिर वो अच्छी तरीके से आपकी सारी मिक्स हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। दरअसल मैंने ये पानी में जब नमक में डाल के रखे थे ना तो ज़्यादा देर नहीं रखे, तो इसलिए मैंने अमचूर पाउडर ज़्यादा मिला लिया जिससे ये कड़वे ना लगे। वैसे ये कड़वे नहीं लग रहे थे लेकिन ये काफ़ी अच्छा टेस्ट इनका आया था, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, नॉर्मली हल्का फुल्के तरीके से बनाया है मैंने भी, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी है, ऐसे निकलना आपको रात भर करेले रखने हैं या कुछ भी, और ये बिल्कुल भी आपको कड़वा नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा हो आप इसको निकाल सकते हैं, तेल को अलग कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत आपको पड़ती नहीं। तो ये है फाइनल टच, बताइएगा देख के कि कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो कैसी लगी रेसिपी बताना ज़रूर। अच्छा, मुझे बताया आजकल मेरे वीडियोस पे काफ़ी अंधभक्त भी आ रहे हैं किसी के, तो वो तो गलत कमेंट ही करने वाले हैं। खैर, आप मतलब भरवा करेले बनाते हो या फिर ऐसे वाले बनाते हो, क्योंकि भरवा करेले बहुत से लोगों को पसंद होते हैं, मुझे इतने पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ना थोड़े अजीब से लगते हैं वो, बट मेरे हस्बैंड को वो पसंद है और मैंने आज तक नहीं बनाए। शादी से पहले ना मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, मैंने सीखा ही नहीं था, कभी काम किया ही नहीं था, और फिर शादी के बाद में मैंने सोचा कि चलो भैया सास होगी, सास सिखा देगी, बट किस्मत ऐसी थी कि ना सास मिली ना ससुर मिले, तो नहीं सिखाया, कौन सिखाता फिर। और तो फिर धीरे धीरे सीख लिया अपने आप, कुछ मम्मी बता दिया करती थी और भाभी बता दिया करती थी, वो हेल्प कर देते थे सभी, और कुछ नेट पे सीख लिया खाना बनाने के लिए। तो अभी हालत ये है कि मोस्टली सभी कुछ आता है बनाना और बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना खाने का बहुत शौक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का बहुत शौक है, तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन एक कुछ चीज़ देखी है मैंने कि किसी के ना हाथ में ही टेस्ट होता है, वो कुछ भी बनाते तो अच्छा लगता है। मेरे साथ में ऐसा नहीं है, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं जो भी बनाऊँ वो अच्छा बने, बिल्कुल नहीं बनता। कितनी ही मेहनत कर लूँ बहुत कम अच्छा बनता है। और हमारे ना जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे सामने एक भाभी रहती थी, वो जो भी बनाती थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और वो बोलती थी कि मैंने कहीं सीखा नहीं है, बस ऐसे ही मैं बना देती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, वो भी अच्छे बनते थे। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने जाऊँ ना तो सब उल्टा सीधा हो जाता है मेरे साथ में। खैर, बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। आज की न्यूज़ है संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ जो है मतलब मैं कुछ ही ब्लॉगर्स को देखती हूँ जिनमें से वो एक है, और
उनके अभी हाल ही में आज ही मैंने देखा है कि 2 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी उनकी एक वीडियो आई है जिसमें लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं तो वो सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर रही है। तो वो सेलिब्रेट कर रही है बट वो इंस्टाग्राम पे कर रही है क्योंकि जो उन्होंने अभी वीडियोज़ डाली हुई है वो उनकी पहले की वीडियो है। ये मतलब पहले ही बना लेती हैं 3-4 दिनों की वीडियोज़ और फिर धीरे धीरे डालती रहती है, पहले की वीडियोज़ है तो इसलिए अभी उनके उसमें सेलिब्रेशन नहीं दिखा। लेकिन जल्द ही जहाँ तक उम्मीद है कि सेलिब्रेशन दिखेगा और 2 मिलियन एक बिग अचीवमेंट है। जहाँ तक उनकी पहली इमेज की बात थी वो कितनी ख़राब थी और अब कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना कि इंसान की असली जो होती है, असलियत जो होती है वो धीरे धीरे ही सामने आती है। तो मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 2 मिलियन कम्प्लीट होने के लिए। जल्दी 3, 4, 5, 6 सब हो जाए। मतलब व्लॉगर्स, कुछ कुछ व्लॉगर्स कितनी तरक्की कर रहे हैं ना, मिलियन में जा रहे हैं लेकिन फिर भी घमंड नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं करते, कुछ गलत नहीं करते। तो होप कि जो आए हैं इस यूट्यूब पे या फिर कहीं भी कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तरक्की पाने के लिए, उनको सबको तरक्की मिले जो मेहनत कर रहे हैं। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। मैं जा रही हूँ चाय पीने, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।